भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने विपक्ष को हरियाणा विधानसभा चुनाव न लड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के पक्ष में है, विपक्ष को हारने के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी ने मांगी पूरी न होने पर हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया, साथ ही मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी। अम्बाला छावनी के टिम्बर मार्केट में मोबाइल टावर लगाने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी सूरत में टावर नहीं लगने देंगे, अगर आबादी वाले क्षेत्र में टावर लगा तो ये लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। जींद में बार एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठित करने के फैसले के विरोध में हड़ताल की, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज ठप रहा। पंचकुला में अंतर सीमा एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के कई फ्रंटियर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 23 मुकाबलों का आयोजन किया गया, विजय खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पानीपत के गांव बिजपड़ी में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर में रखा सामान तहस नहस हो गया। सिलेंडर फटने से एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरसा में पानी की समस्या को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन पर किसानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, साथ ही किसानों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पानीपत पुलिस ने गुजरात के व्यापारी की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने व्यापारी सचिन धवन की 1 अगस्त 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए 5 लाख का इनाम रखा था। यमुनानगर के गांव माजरे की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में ग्रामीणों ने टीचर की पिटाई कर दी। टीचर पर स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप है। साथ ही टीचर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भिवानी में राजकीय स्कूल में राष्ट्रकृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई भी खिलाई गई।